92 World Cup. I think for any sportsman, winning a World Cup, let alone winning, playing for your country is a big deal. So winning was incredible. It was almost 27, 26 years ago. And the second moment is the Chennai Test in 1999 tour. It was a tough tour, but I think the way we got received in India, even before the Test match, and the Test match was itself was the fourth inning, till the last ball, and you know it was just tossing and changing every session, and that's the beauty of Test cricket. और उसके बाद आपका victory lap भी तो हुआ था जो चेन्नई में सारे. We got standing ovation from the Chennai crowd. We had 40,000 people watching, and yeah, it was definitely one of the. वसीम भाई वो 92 का दो ball आप कैसे याद करते हो? Can you tell us? Yeah, I remember because whenever you talk about cricket, whenever you talk about your heroics for your country. Two deliveries still comes back to the mind straight away. वो बॉल है आपके पास? I don't think so. I don't. जावेद भाई ले गए थे. सनी भाई के पास ऑप्शन हो जाएंगे. सनी भाई के पास है 1983 वर्ल्ड कप वाला. नहीं, because I think ये you know they're very much there. सनी भाई. वो हम so excited हो गए भूल गए. कहानी तो सुनिए. नहीं नहीं आपके पास नहीं. रमीज ने कैच पकड़ा था. रमीज ने रमीज के पास भी है नहीं. नहीं है. I asked him. He said he doesn't have. Because जावेद भाई के पास एक साइड वाला बॉल है. Because उन्होंने दिखाया मुझे अभी. At skipper's oath, he was there. He had his ball in his pocket. कह रहे ये बॉल देख. मैंने कहा इससे आउट नहीं थे किए, उस एंड वाले से किए थे मैंने. तो बेस्ट अपना वाकया बताना चाहता हूँ कि मुझे वनडे नहीं खिलाते थे, तो मैंने अपना इमरान खान को बोला कि ऐसा है कि यार मैं अच्छी खासी बॉलिंग कर सकता हूँ, 20-25 रन कर सकता हूँ, बुरा फील्डर भी नहीं हूँ, बस दरमियाना सा फील्डर हूँ, तो आप मुझे मतलब वनडे क्यों नहीं खिलाते? तो उसने कहा जा काम कर ले, एक स्पिनर को कौन खिलाता है ये वो. मैं कहा चलो ऐसा करते हैं, तेरा मैं और इमरान खान दोनों जो है प्रैक्टिस करते थे बागजना में, सिर्फ दो बंदे. मैंने कहा चलो आपका और मेरा मैच हो गया, अगर आपने मुझे छक्के चुके मार दिए तो फिर ना खिलाना, और अगर मैं आपको आउट कर गया तो फिर इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सनट्रेट कर लेना. कहता ठीक है. लो जी, वो बागजना ग्राउंड अगर किसी ने देखी है तो वो जो स्टैंड है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है, वो बहुत दूर है वो. तो मैं बॉलिंग करने के लिए आया तो मुझे कहता वो तू देख रहा ना गाड़ियाँ, उधर छक्का मारूंगा. और मैं कहा नहीं नहीं, तू मुझे पैरी ना समझ. एक वेस्ट इंडियन बॉलर था पैरी, उसको इमरान खान ने कुछ दो चार माह पहले कुछ चार छक्के एक ओवर में मारे हुए थे. तो मैंने कहा तू मुझे पैरी पूरी ना समझी, समझ गया तेरा छक्का ये है कि अंपायर से इधर गया तो तेरा छक्का. ये मेरी उनकी ये बात चल रही थी. मैंने नई नई फिंगर के साथ ना तेज़ गुगली सीखी हुई थी, और मुझे 1000 times मेरा माइंड कह रहा था कि मैं जब करूँगा आउट हो जाएगा. तो वो मैं करते करते ना तो बॉल किया, तो मैंने जब फिंगर से विकेट के साथ से गुगली किया, वो इतना तेज़ अंदर आया बोल्ड हो गया. तो बोल्ड होने के बाद ना विकेट को ठीक कर रहा है ये वो. मैंने भी उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि चलो चलने दो. तो मैंने कहा यार क्या तू तो आज कोई छक्का नहीं लगा, आउट भी हो गया ये वो. और नहीं मेरा मूड ठीक नहीं था, विकेट ठीक नहीं थी, उसको कर रहा था ये वो. मैं कहा चलो ठीक. अब दूसरा दिन आया तो मैंने आते ही पूछा, मैं कहा जी कप्तान साहब आपका मूड ठीक है? कहते हैं ठीक. मैं कहा विकेट ठीक है? कहता आज मैंने खूब रोल करवाया वो. मैं कहा ठीक है चलो. हम शुरू हो गए. फिर वो इधर हल्के थे, ऑन पे ना स्वीप मारते थे ना, मैं इधर पकड़ लेता था, करते करते ऑफ टर्म के बाद ऊंचा छोड़ता था, मारते थे खड़ा हो जाता था. उधर से ही मैंने गूगली किया तो फिर बोल्ड हो गया. बोल्ड हो गया तो इमरान खान में एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर आप उसे कन्विंस करें ना किसी बात पर दलील के साथ तो कन्विंस होता है. तो मुझे कहता है कि मेरा ख्याल है तूने नया बॉल डेवलप किया. मैं कहा हाँ नया बॉल डेवलप किया. कहते चल ठीक है, लेकिन यार तू जाके चीफ सेलेक्टर से बात कर ले वो. मैं कह यार जा, मैं चीफ सेलेक्टर से बात करूँगी, मेरी लड़ाई करवानी है ये वो. अल्लाह की तरफ से वो चीफ सेलेक्टर मुझे मिल गए, मेरी सिलेक्शन हो गई एनीवे वर्ल्ड कप 83. अब वहाँ पे मैं पहले मैच खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ वैसे भी था, तो उधर वो जॉन राइट और एडगर ने आके ठा ठा मारना शुरू कर दिया. 8 ओवर हुए, तो उस वक्त वो ड्रिजलिंग भी होती थी हल्की हल्की, बॉल ग्रिप करना बड़ा मुश्किल होता था. 8 ओवर हुए तो मुझे कहता आप बॉलिंग कर. मैंने इसे कहा यार कप्तान बात सुन, तेरी मेहरबानी है यार, देखे तो ऐसे ड्रिजलिंग हो रही है, हाथ नहीं खुल रहा यार, मेहरबानी करियो. कहता नहीं 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 भाई, बॉल कर बस. तो मैं चला गया. अब मैं जो दुआएं कर रहा हूँ या अल्लाह, आउट तो दूर की दूर बात है, मैं सोच रहा हूँ बचना कैसे है. फिर मैं जेन में सोचा कि यार चलो ऐसा करता हूँ कि आउट करने वाली बॉलिंग नहीं करता हूँ, तो लाइन लेंथ पर फेंकता हूँ देख. तो मैं 2-3 ओवर जब किए तो मेरा बाजू गर्म हो गया. तो मैंने जब बॉल किया तो उस वक्त 60 ओवर की गेम होती थी वर्ल्ड कप में, तो 12 ओवर करने थे, 8 बॉल का ओवर है, लेग स्पिनर बॉल कर रहा हो तो जान कैसे छूटती है. लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया कि मैंने को 12 ओवर में 22-23 रन देके,
उस सारी हिस्ट्री के रिकॉर्ड वगैरह तोड़ दिए, मैं चार आउट कर गया। जब मैं चार आउट कर गया तो मैं अब सोच रहा था कि यार मैं नीचे से जाके 20-25 कर दूं तो मैं मैन ऑफ द मैच अगर हो गया तो मैं टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ था, और वन डे में पहले मैं टेस्ट मैच में, अगर पहले वन डे में मैं मैन ऑफ द मैच हो गया तो मेरा करियर तो ज़बरदस्त हो गया। इस तरह की सोच के साथ मैं जा रहा था और एंड ऑफ द डे हुआ भी ऐसे कि मैं मैन ऑफ द मैच हो गया। जब हो गया तो अगला मैच है श्रीलंका के खिलाफ, तो मुझे आके मैनेजर इंतखाब आलम साहब कहते कि यार यू आर नॉट प्लेइंग। मैं कह हैं, वो मैं मैन ऑफ द मैच हूँ भाई। कहते नहीं नहीं, वो श्रीलंकन खेलते बहुत अच्छे हैं तो आप इस मैच में रेस्ट करें। तो ऐसा भी होता है। अब इस मैच की भी सुन लें साथ ही कि अब मुझे रात को कह दिया गया, मैं सुबह नॉकिंग कर रहा हूँ, मैं बड़ा फ्री माइंडेड ही। इतने में अपना इंतखाब आलम साहब और इमरान साहब निकले हैं, अंदर गए तो उधर से भाग के आए इंतखाब आलम, ओ यार तू किट कर ले, ओ किट कर ले। मुझे गुस्सा बड़ा था, मैंने कहा यार आपने क्या, मेरा मतलब है कि आपने रात मुझे बताया नहीं कि मैंने कोई माइंड नहीं मेक किया हुआ, ये जो मैं गुस्सा कर सकता था मैंने किया, लेकिन मैंने किट कर ली। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि भाई यहाँ तो मैन ऑफ द मैच करने के बाद भी बंदा बाहर हो सकता है। तूने पूरे वर्ल्ड कप आउट नहीं होना, बैटिंग बॉलिंग तेरी ठीक है लेकिन तो बैटिंग में भी 7 रन होने चाहिए। तो खैर उधर भी मैं नॉट आउट चला गया 18 करके। उसके बाद वो मैच हुआ तो मैं उस मैच में को 38 रन रह गए तो इमरान मुझे कहता आप बॉलिंग कर, 4 ओवर तेरे रह गए तो वो पूरे कर ले। तो मैंने उसे कहा कि यार अब अभी 38 रन हैं तो मतलब हमें आउट करने की ट्राई करनी चाहिए। ये तो कहता तुझे क्या फील्ड चाहिए, मैं कह सिलीमिडॉन सिलीमिडॉफ स्लिप गली। कहता एक तो तेरे से जब भी पूछो सिलीमिडॉन सिलीमिडॉफ स्लिप गली। अच्छा मैं कह यार देखना आप इसको बनाना पड़ेगा टेस्ट मैच, अदरवाइज तो हमारा कोई चांस नहीं है। खैर मैं सिलिए सुलिए ली, अल्लाह पाक ने करम कर दिया, मैं 5 आउट कर गया, हम मैच जीत गए। बड़ा मुश्किल है एक मोमेंट को निकालना, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से यूनुस खान और मेरा फाइनल टेस्ट हुआ और जिस तरीके से उसमें फिनिश किया हमने, लास्ट बॉल पे लास्ट विकेट हुई, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है याद करना।